हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है अंकुर द्विवेदी और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ अपनी होंडा एक्सप्लेड को। इस बाइक को मेरे साथ 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस बाइक के सारे पॉजिटिव्स एंड सारे नेगेटिव्स। अगर आप मार्केट में इस सेगमेंट की बाइक देख रहे हैं तो ये भी आपकी कंसिडरेशन लिस्ट में जरूर होगी। तो मैं आपको आज बताऊंगा इस बाइक को 2 साल कंप्लीट होने के बाद इसके सारे पॉजिटिव्स एंड सारे नेगेटिव्स इसी वीडियो में। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, किसी भी पार्ट को स्किप मत करना ताकि आपको अपने डिसीजन लेने में कोई भी दिक्कत फेस ना करनी पड़े। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके पास कौन सी बाइक है एंड उसका परफॉर्मेंस कैसा है वो आप मुझे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी बाइक से रिलेटेड कोई डाउट है या कार से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपको जवाब देने की। तो चलिए एक्सपर्ट के बारे में सारी प्रोज एंड कॉन्स आपको बताता हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको कार्स में भी इंटरेस्ट है तो आप ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है मेरी टाटा सफारी का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू मैंने किया है उसको, तो उसको भी आप जाके जरूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी हमारा चैनल ग्रो करेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एज यू कैन सी, ये है मेरी होंडा एक्सप्लेड 2018 वेरिएंट है, ये मतलब फर्स्ट लॉट की बाइक है ये मेरे पास। आपको प्रॉपर एक वॉक अराउंड दे दूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद इसके प्रोज एंड इसके कॉन्स की बात करूँगा। दिस इज हाउ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स। द रियर एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पीपल टॉक्स अबाउट। इसका रियर एंड काफ़ी प्रीमियम लगता है इस सेगमेंट के हिसाब से, एंड स्पेशली दिस एलईडी टेल लैम्प्स। ड्यू टू मानसून गाड़ी थोड़ी गंदी हो गई है, डोंट माइंड दैट। मैं एक्सप्लेड की फर्स्ट एडवांटेज की बात करूँ तो वो होगी इसकी ओवरऑल डिज़ाइन। जैसे कि आपने काफ़ी रिव्यूज़ में सुना होगा कि इसकी काफ़ी बोल्ड लुक है इस बाइक की, ओवरऑल जो इसकी डिज़ाइनिंग की गई है काफ़ी एरोडायनेमिक है। और जो फ्रंट हेडलैम्प्स आप देख रहे हैं वो रोबो फेस हेडलैम्प है मतलब, और एलईडी हेडलाइट्स भी है इसमें। तो ओवरऑल एज अ लुक ना गाड़ी काफ़ी इन्हांस हो जाती है एंड मॉडर्न एज के हिसाब से लगती है, मतलब अप टू डेट लगती है। इस बाइक को आप अराउंड 5 to 6 years बाद भी आप इसको देखोगे ना तो आप कभी इसको बोल नहीं पाओगे कि आउटडेटेड हो गई है, बिकॉज ऑफ इट्स डिज़ाइन ओनली। टेल लाइट्स इसकी काफ़ी प्रीमियम लगती है, एलईडी हैं बट इसमें आपको बल्ब मिलता है ब्रेक लाइट में। तो ओवरऑल डिज़ाइनिंग के हिसाब से बाइक काफ़ी अच्छी है, ये था इसका पहला एडवांटेज। मैं इसके सेकेंड एडवांटेज की बात करूँ तो वो है इसका राइड कम्फर्ट एंड राइड क्वालिटी। अगर मैं बोलूँ प्रॉपरली तो इस बाइक में जो राइड क्वालिटी आपको बाइक की ऑफर करती है ना, इसके जो सस्पेंशन है फ्रंट एंड रियर दोनों सस्पेंशन सॉफ्ट हैं, तो राइड क्वालिटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब काफ़ी ख़राब पैचेस वाले रोड से भी गाड़ी इतनी ईजिली ग्लाइड ओवर करती है कि मतलब आपको फील ही नहीं होगा। एंड सेकेंड राइड क्वालिटी में जो और एक अच्छी चीज़ है कि इसकी जो सीट्स है ना काफ़ी, देखो आप जैसे आप फ्रंट सीट देख रहे हो ये काफ़ी चौड़ी है एंड रियर सीट दोनों कंबाइंड है, मतलब आपकी स्प्लिट सीट्स नहीं मिलती हैं इसमें। तो ओवरऑल जो कंफर्ट होता है वो ऐसे ही इंक्रीज़ हो जाता है एंड सीट की कुशन्स काफ़ी अच्छे हैं जैसे आप देख पा रहे हो, सॉफ्ट सीट्स हैं एंड लेंथी भी काफ़ी है। मतलब दो लोग अगर पिलियन को आप बैठाना भी चाहते हो तो कोई भी दिक्कत फेस नहीं होने वाली है। एंड अगर आपको एक फन फैक्ट मैं बताऊँ, मतलब आप यकीन मानोगे या नहीं मानोगे मुझे नहीं पता, मेरी ग्रैंड माँ है, मेरी दादी हैं, 73 years ओल्ड हैं, वो भी इस बाइक में रियर सीट में अपने आप चढ़ के बैठती हैं। बट एक चीज़ आपको और बता दूँ मैं, इसमें मैंने ये लगाया फुट रेस्ट, कंपनी के थ्रू ये नहीं आता है, इसको मैंने लगाया तो उसकी वजह से मेरी दादी खुद इसमें चढ़ के बैठ जाती हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं ना इनके हिसाब से आपको लगता है कि यस राइड क्वालिटी अच्छी है गाड़ी की, ओवरऑल कंफर्ट काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। मैंने इसको 2 साल यूज़ किया है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे ये नहीं लगा बाइक में कि यार यहाँ पे राइड क्वालिटी जो है या कंफर्ट जो है वो मुझे थोड़ा सा कम मिल रहा है ना। तो ओवरऑल कंफर्ट के हिसाब से अगर आप बाइक को देख रहे हो तो इसकी जो राइडिंग स्टाइल है ना वो एग्रेसिव नहीं है ज़्यादा, डिज़ाइन एग्रेसिव है बट जो राइडिंग पोस्चर है बॉडी का वो ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, तो वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल राइड क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। तो अगर आप राइड क्वालिटी के हिसाब से देख रहे हो, कंफर्ट के हिसाब से बाइक को देखना चाहते हो तो ये बाइक आपकी कंसिडरेशन में नंबर 1 की लिस्ट पे होनी चाहिए। क्योंकि मैंने इसके कंपटीशन में पल्सर चलाई है, NS160 चलाई है, जिक्सर चलाया है, उन किसी भी गाड़ी में इसके कंपैरेटिवली राइड क्वालिटी या कंफर्ट जो है, सीट का कंफर्ट जो है इतना अच्छा नहीं मिलेगा आपको, ये जेन्युइन बात मैं आपको बता रहा हूँ। सो नाउ मैं अगर इसकी थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज की बात करूँ तो वो है इस बाइक की माइलेज। आप इसमें जिस हिसाब से आप इसमें माइलेज चाहते हो ना आप उस टाइप से आप इसकी माइलेज निकाल सकते हो। ड्यू टू इसमें HET टेक्नोलॉजी है, होंडा इको टेक्नोलॉजी, आपको मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ। तो इसके थ्रू होता क्या है ना
अगर आपको जब बाइक में पावर ज़्यादा चाहिए तो आप उसमें पावर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू ड्राइव इकोनॉमिकली, मतलब आप आराम से चलाते हैं, फिफ्थ गियर में हैं एंड 60-65 क्रूज़ कर रहे हैं, तो उसमें उस कंडीशन में मैंने इस बाइक से 73 km/h का भी माइलेज निकाला हुआ है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा एडवांटेज इसकी ओवरऑल लुक्स परफॉर्मेंस के साथ साथ इसकी माइलेज भी है। क्योंकि आपको, अगर आप माइलेज को कंसिडर कर रहे हो कि आपको अच्छी खासी लुक वाली बाइक भी मिल जाए एंड माइलेज भी अच्छा हो, तो ये बाइक उनमें से एक होगी। क्योंकि इसकी ओवरऑल जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, सिटी की अराउंड 55 km/h के आसपास आपको सिटी में मिल जाएगा। तो ये था इसका थर्ड एडवांटेज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम इंडियंस के लिए, क्योंकि माइलेज बाइक में ज़रूरी होता है। बाइक हो या क्या कार हो, माइलेज हर आदमी अपनी कंसिडरेशन में रखता ही है। और बात करनी थी, इस बाइक की अभी मेजर सर्विस पेंडिंग है, मतलब फिफ्थ सर्विस होगी इसकी, जिसमें लेबर चार्जेस भी लगेंगे मेरे को। तो आपको अगर इसके मेंटेनेंस से रिलेटेड कोई डाउट है कि मेंटेनेंस हाई है, सर्विस कॉस्ट कैसी है एंड सर्विस क्वालिटी कैसी है, तो वो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे ही आएगी। तो उसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं वो वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। एंड एक्सप्लेट से रिलेटेड कोई और डाउट हो तो वो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। नाउ मैं इसकी फोर्थ एडवांटेज की बात करूँ, तो जो काफ़ी प्रीमियम लगता है इस बाइक, इस सेगमेंट की बाइक में, वो है इसकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, क्लियर आ रहा है थोड़ा, इस टाइम पे आप देख रहे हो जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, मतलब इसमें आपको सारी ही एसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको आराम से प्रोवाइड करती है। मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जैसे ये टैकोमीटर है, ये गियर पोजिशन इंडिकेटर है, जो कि इस सेगमेंट की बाइक्स में आजकल आ रहा है, बट उस टाइम पर नहीं आता था। 2 साल पहले कुछ खास ज़्यादा गाड़ियों में आता नहीं था। यहाँ पर आपको क्लॉक मिलता है, ट्रिप ए ट्रिप भी आपको मिलता है, जैसे कि आप ट्रिप ए ट्रिप बी है ना। एंड ये गियर पोजीशन इंडिकेटर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए जैसे आप कौन सा गियर डाल रहे हैं। गियर पोजीशन इंडिकेटर काफ़ी, गियर बॉक्स तो स्लीक नहीं है बट ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दिखाता है, बिल्कुल भी इसमें लैग नहीं है। आप जैसे ही गियर को पुट करेंगे ना, तुरंत आपको इंस्ट्रूमेंट पैनल में आ जाएगा, कोई भी इसमें लैग वाली समस्या आपको फेस नहीं होगी। एंड यहाँ पे आपको हाई बीम, न्यूट्रल एंड हैजार्ड स्विच का मिल जाता है, जैसे कि ये देखिए हैजार्ड स्विच ऑन हो गई है मेरी, है ना। तो ये भी इसके एक एडवांटेज में आता है, क्योंकि काफ़ी गाड़ियों में गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं होता, उसमें लोगों को दिक्कतें फेस होती हैं। तो इस हिसाब से अगर आप कंसिडर कर रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट पैनल में आपको सारी एसेंशियल चीज़ें प्रोवाइड कर दी गई है कंपनी की तरफ से, उसको भी आप माइंड में लेकर के चल सकते हैं। तो ये था इसका चौथा एडवांटेज। सो द फिफ्थ एडवांटेज इज़ द हेडलाइट्स ऑफ द बाइक। इसकी जो हेडलाइट्स हैं, इसकी थ्रोज काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी पावरफुल हेडलाइट है ये अपने सेगमेंट में। एंड द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ कि जो थ्रोज हैं, एलईडी हेडलाइट्स की थ्रो जो होती है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द हेलोजन बल्ब्स। बट इवन दो कंपनी हैज़ मैनेज्ड, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल इंटेंसिटी है लाइट की ना, काफ़ी अच्छी रखती है रोड पे। कोई भी स्पॉट आपको रोड में ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी पैच ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे लाइट एफिशिएंटली जा नहीं रही हो, ऐसा कोई दिक्कत आपको फेस नहीं होगा। एक बार मैं आपको लाइट जला के शो कर देता हूँ, देखो जैसे कि आप देख पा रहे हो। ये इसकी हेडलाइट्स हैं, सो नाउ द लास्ट एडवांटेज ऑफ द बाइक इज़ द क्वालिटी ऑफ द टायर्स। टायर्स की जो क्वालिटी है, मैं ध्यान रखिएगा, मैं प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, टायर्स की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, जो कि अलग अलग कंपनी की गाड़ी डालती हैं। तो मेरी जो टायर्स हैं वो हैं MRF के, जैसे कि आप देख पा रहे हो MRF के टायर्स हैं। एंड इसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने बाइक परचेज़ की थी 2018 को, बाइक परचेज़ करने के 2 महीने बाद मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा था। एंड देन रोड में हुआ क्या, मतलब इतने बड़े कुछ 2 इंच के आसपास के खिला था, कुछ रोड में गिरा हुआ था, वो बाइक में मेरे लग गया था, मतलब टायर में घुस गया था और अराउंड 1 इंच वो अंदर घुस गया था टायर के। तो उसके बाद मुझे पता कैसे चला, जब टायर अपना घूम रहा था ना, जैसे कि आप दिखाऊं टायर, जैसे जब मेरा घूमेगा ना, तो खिला जब यहाँ पे घुस गया था तो वो इसमें अड़ रहा था, तो खट खट करके कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने बाइक को साइड में पार्क किया और फिर जब मैंने चेक किया तो अराउंड 1 इंच वो बाहर निकला था। तो फिर जब मैंने उसको बाहर खींचा, तब मैंने देखा 1 इंच के लगभग वो अंदर भी था और 1 इंच बाहर था। तो इस इंसिडेंट से मुझे ये लगा कि, मैं सोचा कि यार अब हो गया, टायर तो मेरा पंचर हो जाएगा, ट्यूबलेस टायर से, जैसे कि ये टायर तो मेरा गया, ये अभी 1 महीने हुए हैं गाड़ी को, हो गया इसका काम, मुझे ऐसा लगा। बट मैं अपने दोस्त के यहाँ वहाँ से फिर गया भी आगे, कोई दिक्कत मुझे रास्ते में फेस नहीं हुई। मैं वापस घर आया एंड बाइक में हल्की सी भी हवा लीक नहीं हुई थी। 1 इंच था, या मतलब 1 इंच से थोड़ा कम ही था, मान लो आप अंदर गया था टायर, बट जो
उस वो इंसिडेंट से मुझे जो इसकी इसके लिए क्या बोलते हैं रिस्पेक्ट बढ़ गई ना, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि यार टायर में कुछ हुआ नहीं। मैं सोच रहा था कि पंचर ही हो जाएगा, हवा डालनी पड़ेगी। अगले एक दो महीने तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और अभी तक टायर मेरा एक बार भी ये पीछे का पंचर नहीं हुआ है, मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैंने इतने सारे एडवांटेजेस इस बाइक के बारे में बता दिए, इतने सारे प्रोज हैं, तो क्या इस बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, क्या ये बाइक मतलब बिना दिक्कत के बनी है, कोई प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो ये बात नहीं है, हर बाइक में हर गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत होती है। नो कार और बाइक इज़ परफेक्ट एट ऑल, आप सबको ये बात पता होगी। कोई भी गाड़ी परफेक्ट किसी भी हाल में नहीं होती है। मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इसके साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव। जो है मेरी गाड़ी है तो क्या हुआ, बट जो इसमें सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो इसकी मैं निगेटिव्स आपको बताने स्टार्ट कर देता हूँ अभी, चलो। पहला जो डिसएडवांटेज है इस बाइक का वो है इसकी टायर प्रोफाइल्स। फ्रंट टायर प्रोफाइल आप देख पा रहे हो जैसे कितने थिन टायर्स हैं। इस सेगमेंट में अराउंड इनको 90 सेक्शन के टायर्स तो देने ही चाहिए थे, इन्होंने 80 सेक्शन के टायर्स प्रोवाइड किए। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पे, ये देखो 80x117 inches है ना, तो 100 ये होता है मतलब इसकी थिकनेस होती है एंड 80 इसकी प्रोफाइल होती है ये। तो ये जो 80 सेक्शन के जो टायर्स है ना, इससे मुझे ज़रूर शिकायत है क्योंकि ये उतनी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। जैसे अगर आप इसके रियर टायर्स की को देखेंगे ना, तो रियर टायर्स काफ़ी मोटे हैं, 130 सेक्शन के टायर्स हैं, सूट करते हैं बाइक को, इस सेगमेंट की बाइक को सूट करते हैं। बट फ्रंट टायर की जब आप बात करोगे ना, फ्रंट से जब आप बाइक को देखोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा यार ये टायर ना पतले हैं, इसमें उतनी अच्छी ग्रिप आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली, मैं बता दे रहा हूँ। अगर आप कॉर्नरिंग करना चाहते हो, जैसे स्पोर्ट्स बाइक, उतनी बड़ी स्पोर्ट्स बाइक मत समझो इसको, कॉर्नरिंग करोगे तो ये ज़रूर आपको दिक्कत दे सकते हैं, बाइक स्लिप हो सकती है। तो उस हिसाब से आप इसको कंसिडर करके चलना कि जो टायर प्रोफाइल है आप उसको मुझे नहीं लगता शायद इंक्रीज़ करा भी सकते हो, क्योंकि आप अगर करवाओगे तो कहीं ना कहीं फंसने का दिक्कत हो सकता है ना। तो कंपनी को इसमें थोड़ा ध्यान देना था, 90 सेक्शन के टायर्स देने थे, सामने में तो काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड होती। तो ये है इसका एक डिसएडवांटेज। तो जो सेकंड इसका डिसएडवांटेज है जो मुझे लगा, वो है इसकी ओवरऑल प्रोडक्ट या मटेरियल की जो क्वालिटी है। मैं पेंट क्वालिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पेंट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी, मतलब अगर आप प्लास्टिक्स को देखेंगे ना, जैसे ये सारे जो प्लास्टिक्स हैं, मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, मटेरियल क्वालिटी में मुझे एक दिक्कत ये लगी कि इसकी जो प्लास्टिक है ना वो उतनी अच्छी ग्रेड के नहीं है। और यहाँ पे जैसे कि आप ये जो क्रैक्स देख पा रहे हैं ना, ये और ये हुआ क्या था, एक बाइक वाले कोई आ करके मेरे को साइड से यहाँ पे जस्ट टच किया था, ज़्यादा कुछ बड़ा दिक्कत नहीं था, बट ये एकदम अचानक से ये क्रैक हो गया, यहाँ पे ये टूट गया, अंदर इसके एक हुक रहता है वो गाड़ी का क्रैक हो चुका है। तो उस हिसाब से मुझे लगा यार क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। और सेकेंड चीज़ जो मैंने फेस की वो थी इसकी जो ग्रैब रेल्स आपको मिलते हैं ना रियर में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसकी क्वालिटी भी उतनी खास नहीं है। क्योंकि जब मैंने इसको, जैसे कि आप अभी आप देख पा रहे हो मैंने मेन स्टैंड में रखा है गाड़ी को, मैं कहीं सामान लेने गया था, वहाँ पे मैंने बाइक में मेन स्टैंड लगाया, तो हुआ क्या था, मैं आप हंसोगे ज़रूर इस बात पे, दिक्कत ये आई थी कि ये जो यहाँ, ये जो मैंने इसको ऊपर पुश किया, खींचिया मैंने बाइक को, खींचा ऊपर से मतलब मेन स्टैंड के लिए, तो हुआ ये दिक्कत कि ये जो पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पोर्शन पूरा क्रैक हो गया, ये मेरे हाथ में आ गया और बाइक आगे चली गई। फिर से मैं उसको हैंडल से पकड़ा, बट ये भी उस कुछ खास क्वालिटी का है नहीं। और मटेरियल सप्लाई होने में भी मुझे इसमें टाइम लगा, मतलब मैंने 3-4 शोरूम से पता किया यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़ में, बट इसकी मटेरियल मेरे को ये प्रोडक्ट मिला नहीं जल्दी से, ये पार्ट इसका मिला नहीं। उसके बाद वो बुकिंग पे आया, उसको भी 3-4 महीने के आसपास का टाइम लग गया था, तब तक ये क्रैक ही था। तो इसकी जो अगर मैं आप देख लेना, इसकी ओवरऑल क्वालिटी उतनी अच्छी खास कुछ है नहीं इसमें। अगर आप कुछ रबड़ी फीलिंग जैसे अब शाइन एसपी में देखते हो ना, उस टाइप का इसमें कुछ देते तो वो भी काफ़ी अच्छा रहता है, बट ओवरऑल क्वालिटी इसकी ठीक नहीं है। एंड कुछ कुछ पार्ट्स में, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो ये जो अभी तो वैसे गाड़ी गंदी हो गई है काफ़ी, तो इसकी जो लेग गार्ड है उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। एंड जो ओवरऑल जो एलॉयज में जो ब्लैक पेंट है ना, ब्लैक पेंट कुछ कुछ जगहों से निकलने स्टार्ट हो गए हैं, एकदम माइन्यूट है वो, मतलब ध्यान से आप देखोगे तभी दिखेगा, बाकी कोई दिक्कत आपको नेक डाई से आप नॉर्मली देखोगे ना तो कोई उसमें दिक्कत फेस नहीं होने वाली है। ओवरऑल जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये देख लो, ये दिख रहा है आपको, ये सब जो चीज़ें हैं ना ये क्वालिटी को अपने आप ही दिखा देती हैं कि यार ये जो पैसा हमने स्पेंड किया ना उतनी उस हिसाब की क्वालिटी होंडा अब प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। सो द नेक्स्ट कॉन इज द इंजन किल स्विच इस बाइक में नहीं आता है। 2018 मॉडल है मेरा ये, मतलब फर्स्ट लॉट की गाड़ी है, उस टाइम पे नहीं आता है, तो मतलब ये देख के काफ़ी मुझे ऑकवर्ड लगा, इस सेगमेंट में तो दे ही देना चाहिए होंडा को,
बट वो आपको नहीं मिलेगा। नो डाउट आपको अभी अगर आप BS6 में लेंगे तब आपको वो चीज़ ज़रूर मिल जाएगी, बट उससे रिलेटेड भी एक डाउट या कौन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने ये बाइक परचेस कर ली है उनके लिए तो सही है, बट अब अगर आप BS6 वेरिएंट इसका लेना चाहते हो ना तो वो आपको ओवर प्राइस्ड ज़रूर लगेगा। कुछ लोगों की मैं बातें देख रहा था मतलब, और मैंने प्राइसिंग जब इस बाइक की देखी तो वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लगी, क्योंकि डबल डिस्क आपको मतलब ड्यूअल डिस्क प्रोवाइड जरूर कर दी है कंपनी, बट ड्यूअल डिस्क ABS नहीं है, है ना, मतलब ड्यूअल चैनल ABS बोलते हो, ड्यूअल चैनल ABS आपको नहीं मिलेगा अभी भी। इंजन को किल स्विच मिल जाता है, बट ओवरऑल प्राइस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब जिन्होंने पहले ले ली उनके लिए अच्छा था, बट अब जो ले रहे हैं ना उनके लिए बाइक ओवर प्राइस ज़रूर लगेगी, अराउंड 120-130 आपको पड़ेगी, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता 160 लेने का। फिर आप इतना पैसा स्पेंड करने के बाद आपको ही लगेगा चलो 200cc में स्विच कर लेते हैं। तो ये था इसका नेक्स्ट कॉन। लास्ट डिसएडवांटेज की बात करूँ तो वो है इसका गियर बॉक्स। गियर स्लॉटिंग में कभी कभी ना आपको दिक्कत फेस ज़रूर होगी, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट गियर लगाने में दिक्कत होती है, गियर अटक जाता है, बट ऐसा रेयरली होगा, मतलब 100 times में आपको 5-10 बार ही ऐसा आपको लगेगा, बट है यस ये दिक्कत ज़रूर है ना। तो गियर बॉक्स से रिलेटेड आपको ये डाउट होगा अगर कि दिक्कत है क्या, तो वो दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। एंड अगर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं है तो ज़्यादा ओवरऑल डिसएडवांटेजेस जो गाड़ी के हैं ना वो इस गाड़ी को कैंसिल करने वाले नहीं हैं, बस ये गियर बॉक्स का इशू है, बट वो भी मैंने आपको बताया 100 बार में 5-10 बार होगा वो चीज़, ठीक है, तब आपको ज़रूर फील होगा, बट ओवरऑल क्लच इज़ वेरी लाइट, क्लच सुपर लाइट है। मेरे भाई ने उनके पास पल्सर है, पल्सर 150 है, उन्होंने जब इस बाइक को चलाया तो उन्होंने बोला यार इसका क्लच तो बहुत लाइट है, तो ये भी इसका एक अच्छा एडवांटेज है। पल्सर 150 का क्लच काफ़ी हार्ड है उनके हिसाब से, और मैंने भी चलाई तो यस वो काफ़ी हार्ड था, तो क्लच काफ़ी लाइट है, तो उस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा इग्नोर भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर इस बाइक से रिलेटेड आपको और कुछ प्रोज या कॉन्स लगते हैं, आपको भी लगता है कि यार इसमें ये भी अच्छाई है या ये और दिक्कत है या ये एक डिसएडवांटेज है इस बाइक का, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी बाइक या कार से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप भी मुझसे नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम ID फ्लैश हो रही है, वहाँ पे भी आप जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। विद दिस नोट, अगर आप बाइक चलाते हो तो हेलमेट ज़रूर पहनिए, कार चलाते हो तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाओ, वो आपकी सेफ्टी के लिए ही होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।